नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां पर बात होती है केवल किसान की। और आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है और ये जानकारी जो है सभी किसान भाइयों के लिए उपयोगी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड यानी कि कीटनाशक और फंगिसाइड को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। यदि आप मिलाकर इनको स्प्रे करते हैं तो आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो इस विषय के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि हमें स्प्रे का रिजल्ट नहीं मिला, तो इसके पीछे यही वजहें होती हैं। कुछ छोटी छोटी गलतियां किसान करता है जिसकी वजह से उसको स्प्रे का जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट उसको नहीं मिल पाता। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कशन करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे मिलाकर क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये जो इसका मेन कारण है कि ये टेक्निकल जो है अलग अलग आते हैं, क्योंकि इंसेक्टिसाइड होता है कीटों को मारता है और जो फंगिसाइड होता है वो फंगस को ख़त्म करता है। तो इनका दोनों का अलग अलग काम है, दोनों ही जो हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें कि इनका काम ही अलग है, इसलिए इनको अलग अलग ही बनाया जाता है कंपनियों के द्वारा। नहीं तो एक ही पैकेजिंग के अंदर एक ही जो है एक ही जगह पर आपको कीटनाशक भी और फंगिसाइड भी कंपनियां मिलाकर ही दे देती और आपका एक ही प्रोडक्ट से यानी कि एक ही टेक्निकल से काम चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है ये सोचने वाली बात है। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों की कार्यप्रणाली अलग अलग है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। और काफ़ी ऐसे टेक्निकल हैं जो कि मिलाने पर विपरीत रिएक्शन करते हैं, जिससे आपकी फसल को नुकसान भी हो सकता है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि इंसेक्टिसाइड में ही फंगिसाइड मिला लेते हैं और उसके अंदर ही फर्टिलाइज़र जैसे कि एनपीके वगैरह मिला देते हैं, और इसके साथ में काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं कि टोनिक भी मिला देते हैं। टोनिक यानी कि जैसे कि ग्रोथ प्रमोटर हो गया, या फिर जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्लानोफिक्स और चमत्कार वगैरह जो टोनिक आते हैं फ्लावरिंग के लिए, वे उसी में ही मिला देते हैं टाइम और मेहनत की बचत के चक्कर में। और इसके साथ ही एक सबसे बड़ी भूल यहाँ पर क्या होती है कि पानी की मात्रा बहुत ही कम रखी जाती है। 100 लीटर पानी जो है किसान एक एकड़ में बड़ी मुश्किल से डालता है, जबकि आप इतनी चीज़ें यदि एक साथ मिला रहे हैं तो कम से कम आपको 150 से 200 लीटर पानी तो डालना ही डालना चाहिए। इसके बाद में यदि हम इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को अलग अलग स्प्रे करने की बात करते हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है इनकी टेक्निकल फॉर्मूलेशन का अलग अलग होना। जैसे कि आपने किसी भी दवाई के टेक्निकल के आगे लिखा हुआ देखा होगा 80 ECSL WWW DG, तो इसी प्रकार से और भी फॉर्मूलेशन आती हैं। जैसे कि यदि मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बात करूँ, जैसे कि रोगोर के अंदर होता है डाइमेथोएट 30% EC फॉर्मूलेशन में, इसके अलावा मोनोक्रोटोफोस में होता है 36% SL फॉर्मूलेशन में। तो यहाँ पर ये जो EC और SL है ये अलग अलग फॉर्मूलेशन में दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और जब आप इनको मिलाकर स्प्रे कर देते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है कि इनका रिजल्ट जो है बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, या फिर रिजल्ट इनका कम हो जाता है, या फिर इससे क्या होता है कि आपकी फसल को नुकसान भी हो सकता है यदि आपने बिल्कुल ही विपरीत फॉर्मूलेशन को एक साथ में मिला दिया है। तो यदि हम रिजल्ट की बात करें तो यदि आप इनको अलग अलग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का यदि आप इनको अलग अलग स्प्रे करते हैं तो। और यदि आप इन दोनों को मिलाकर स्प्रे करते हैं यानी कि कीटनाशक और फंगिसाइड को मिलाकर में एक साथ डाल देते हैं तो इसका रिजल्ट आपको कम मिलेगा, हो सकता है आपको रिजल्ट ना भी मिले यानी कि इनका रिजल्ट मिलकर जीरो हो जाए, और हो सकता है कि आपकी फसल के ऊपर ही उल्टा रिएक्शन भी कर दें यानी कि आपकी फसल को भी इससे नुकसान हो सकता है। तो ये तो आपको रिजल्ट किस प्रकार से मिल सकता है इसकी बात हुई। इसके बाद में बात आती है कि यदि आप इनको अलग अलग स्प्रे करते हैं तो पहले आपको कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक जो है कम समय के लिए असरकारक होता है, जबकि फंगिसाइड जो आपका है वो लंबा आपको असर देता है, लंबा रिजल्ट होता है उसका। तो यदि आप अलग अलग करते हैं तो पहले कीटनाशक करें, उसके एक दो दिन के बाद में फंगिसाइड का स्प्रे करें, इससे आपको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। इसके बाद में बात आती है कि यदि आप इसको मिलाकर स्प्रे करना चाहते हैं, यदि आपके पास जो है इतना साधन वहाँ पर नहीं है, साधन की बात करूँ जैसे कि आपके पास पानी की कमी है या फिर आपका खर्च ज़्यादा हो जाता है, आप ऐसा सोचते हैं,
या फिर और भी कोई कारण हो सकता है जिससे कि आपको इन दोनों को मिलाकर स्प्रे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर यदि आप मिलाकर स्प्रे करते हैं तो ये तो मानकर चलो कि आपको रिजल्ट तो कम ही मिलेगा दोनों का, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद में एक जो बड़ी भूल किसान करता है वो आप बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि आपने इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड मिला लिया तो इसमें फर्टिलाइज़र या फिर कोई अलग से टॉनिक ना मिलाएं, ये आप गलती ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। क्योंकि आजकल इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, फर्टिलाइज़र या फिर कोई भी टॉनिक कह लीजिए बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं भाई, तो इसलिए ऐसी गलती किसान भाइयों ना करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि एक तो ये महंगे आते हैं, दूसरी तरफ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और हो सकता है आपकी फसल के ऊपर नुकसान कर दें, तो इसलिए आपके ऊपर डबल नुकसान हो सकता है, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ी किसान क्या करता है कि पानी की मात्रा 100 लीटर से भी कम लेता है और कीटनाशक और फंगीसाइड को भी मिला लेता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए कम से कम पानी 150 लीटर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लीटर पानी एक एकड़ में आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जो आपने इंसेक्टिसाइड लिया है, कीटनाशक लिया है या फिर जो फंगीसाइड लिया है, तो आप इन दोनों का ही घोल जो है वो अलग अलग बनाएं और जब आप इसका स्प्रे करें तो पंप के अंदर एक साथ मिलाकर तुरंत ही इसका स्प्रे कर दें। पंप के अंदर इन दोनों को मिलाकर बिल्कुल भी ना रखें, ज़्यादा देर ना लगाएं, जितना जल्दी आप स्प्रे करते हैं उतना जल्दी आपको अच्छा रहेगा। नहीं तो इसके अंदर क्या होगा कि दोनों को मिक्स होने के बाद इसमें विपरीत रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए टेक्निकल को कभी भी एक साथ मिलाकर ना छोड़ें, तुरंत ही फसल के ऊपर छिड़काव कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप फंगीसाइड और कीटनाशक को अलग अलग स्प्रे करते हैं तो आपको यहाँ पर 100% रिजल्ट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि आप इन दोनों को मिलाकर स्प्रे करते हैं तो आपको यहाँ पर रिजल्ट कम मिलता है, और यदि आप इन सावधानियों को ध्यान में रखते हैं तो आपको नुकसान होने के चांस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप इसी प्रकार से खेत किसान से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय समय पर देखते रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।